खबर खंडवा जिले से, जहां खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोद्वार तहसील पुनासा में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला। सरपंच सचिव की देखी गई दबंगाई, ग्रामीणों को दे रहे हैं धमकी थाने में बंद कराने की। ग्रामीणों ने बताया कि यहां सरपंच सचिव की चलती है मनमानी, पौधारोपण तालाब सीसी रोड की नाली में हो रहा है भारी भ्रष्टाचार। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना रिश्वत के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं देने का मामला आया सामने। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज़ के लिए फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। निकाला है क्या? चालू हालत में था, पानी थोड़ा कम था इसलिए निकाल के लिया गया। गर्मी में पानी कम हो जाता है, बाद में तो आपको पता है कहाँ ले जाके डाला है? नहीं सर, नहीं पता है। सरपंच ने बोला था, बोले यहाँ से आप ये तालाब पंचायत के पास में साइट में है और हाई स्कूल भी है, मिडिल है, इसके ठीक साइट में है। और दूसरा तालाब किस जगह पे है? दूसरा तालाब सर एक बेड़ी है पर डेट फटे की ओर जी, वहाँ पर है। दो ही तालाब है? तालाब एक पुराना है, उसके ऊपर ही खोद दिया है। अच्छा, उसी पे दर्शा दिया होगा तो उसमें पता ही नहीं है, उसका सिर्फ एक नक्शा खोदा है बस, बाकी कुछ नहीं है।